अन्य स्टेट से कम यहाँ पर डेंगू के, आज भी अखबारों में है ये जो डेंगू की बीमारी है यहाँ पर बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्री बिहार छोड़ के मजे ले रहे हैं झारखंड में, मुख्यमंत्री मजे लेंगे दिल्ली में, विपक्ष मजे लेंगे हरियाणा में। ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि बिहार किस पर छोड़ दिए, सुशील मोदी पे, जिन्होंने मारने और मरने पर मजबूर कर दिया, किसके कृपा पर इस 10 दिनों के अंदर लगभग किस तरीके से लूट पूरे पटना में मची हुई है। पदाधिकारियों के द्वारा 4 करोड़ रुपया 13 दिनों के अंदर और 2 दिनों में 24 लाख रुपये के डीजल जले, बुटको कम, सिर्फ बुटको, बुटको ने 24 लाख का डीजल 2 दिनों में पानी निकालने का बिल दिया और 13 दिनों में 4 करोड़ रुपये का बिल। कहीं भी किसी भी गली में ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, सड़कों पर चूना छिड़ दी गई और कचरा डंप करने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं। 4000 से ज्यादा डेंगू पटना में फैल चुका और 2 दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके हैं पटना में। अब वकील साहब मरे तो अखबार में आया, 10 साल के बच्चे मरे तो नहीं आया। लगातार डेंगू से लोग मर रहे हैं और उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है कि ये दूसरी बीमारी से मर। मेरा सीधा आरोप है, पहले पानी से मारा, फिर बीमारी से मारा और अब महामारी की स्थिति पैदा कर, और सब लोग बिहार छोड़ के चले गए और कह दिया कि ये जिम्मेदारी पटना की जनता है, कि कार्रवाई जनता पर होनी चाहिए, पदाधिकारी पर कम। अब ऐसी संवेदनहीन सरकार जो जनता पर चीजों को रोक मेर दे, तो ऐसी सरकार को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दोनों एक ही है तो मैं तो चाहूंगा कि सरकार कंप्लीट कोलैप्स है, पटना की स्थिति नर्क से बदतर है और उनके पदाधिकारी गंगा घाट पर, इसको फोबिया हो गया है यहाँ के पदाधिकारी को, फेकबुकिया फोबिया हो गया है। फेकबुकिया भी हैं, लबेड़िया भी हैं, ये दोनों। ये सिर्फ गंगा घाट के नीचे जाकर के फोटो खिंचाने के लिए फोबिया है। आज तक कंकरबाग, राजेंद्र नगर पूरी चारों तरफ पानी लगी हुई है, बच्चे नहीं निकल रहे हैं। बगल में नेपाली नगर से कभी यहाँ के पदाधिकारी झांक के देखने नहीं गए, गंगा के बाहर जा करके ये अखबार में छपाने की इनकी जो वैलेंस है कोड ऑफ कंडक्ट का, एक पदाधिकारी अखबार में नहीं छपा सकता है। ये लॉ कहता है संवैधानिक कि पदाधिकारी कोई भी काम की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है, गवर्नमेंट उसमें डीएम एसपी या कोई आदमी इसका श्रेय नहीं ले सकता। ये बहुत ही गलत परंपरा है और सिर्फ पटना को समाप्त करने के लिए, इसीलिए जन अधिकार सेवा दल का गठन किया गया और सेवा दल के द्वारा 4 कॉर्नर में लगभग 4 मशीन, लेकिन 12 मशीन हम सुपुर्द करेंगे 2 सप्ताह के अंदर पटना को।
और वो मोहल्ले में हम सुपुर्द करेंगे, यहाँ नगर निगम को नहीं, क्योंकि नगर निगम कंप्लीट रूप से लूट निगम है, नर्क निगम है, और इस निगम को बंद कर देना चाहिए। और मैं सरकार से कहूंगा कि आपके पास जितनी मशीनरी है वो पप्पू यादव को दे दीजिए, हम 2 सप्ताह के अंदर पटना को नीट एंड क्लीन करेंगे, है तो आप दे दीजिए। पदाधिकारी आप अपने पास रखिए, सिर्फ मशीनरी आप हमको दे दी, पूरी पटना इस कचरा से और मच्छर से, दो चीजों से मुक्त कर, जो नासूर बना दिया है। सबसे बड़ा कचरा नेता ने सबसे पहले नासूर बनाया, और फिर नेता के द्वारा पैदा किया गया कचरा नासूर बना रहा है। इसलिए आज अभी जन अधिकार सेवा दल यहां से निकलेगी, हर दिन अलग अलग मोहल्ले में जाकर के अपना कार्य करेगी। बस इससे ज़्यादा मैं आगे आपको बहुत डिटेल हाईकोर्ट में, मैं लगभग सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सीएजी ने का जो रिपोर्ट है जो मैं हाईकोर्ट में रखा हूँ, 10,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला 2009 से 19 तक किया है, और यह सीएजी की रिपोर्ट है जिसको मैंने हाईकोर्ट में रखा है। और मैंने कहा कि हाईकोर्ट डायरेक्ट मॉनिटरिंग करे, मैं इसको रखूंगा, हाईकोर्ट के नेतृत्व में हो और हाईकोर्ट इसको संज्ञान ले, और सरकार जब हाईकोर्ट संज्ञान लेती है तो तुरंत समाप्त करे और नए जनादेश की ओर जाए।